दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस एग्जाम की, उसके बाद में बात करेंगे 60,244 पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एक बड़ी अपडेट है, उसके बाद में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं नई जूनियर भर्ती की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी कल से टेस्ट बुक के बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है सिलेक्शन सीजन। ये देख सकते हैं आप लोग 14 और 15 अक्टूबर को ये ऑफर रहेगा, और इसकी प्राइस क्या है अभी इसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि प्राइस इसका बहुत कम होने वाला है। आपको पता होगा कि टेस्ट बुक का जो ईयरली पास हुआ करता है पास प्रो, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पास में आप लोगों को एक साल के लिए भारत की सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है। 800 से ज्यादा भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। 14 से अधिक भाषाओं में आपको जो मॉक टेस्ट है वो इसमें मिल जाएंगे। देखते हैं कल प्राइस कितना ज्यादा कम होने वाला। और वैसे मैंने इसकी जो लिंक की जो इसकी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था पीसीएस को लेकर के, और दोपहर में भी एक मैंने एक वीडियो बनाया था, और विद्यार्थियों ने कमेंट किया बहुत सारे, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का विरोध होना चाहिए, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, परीक्षा एक ही दिन में हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैंने सुबह बताया था तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया था, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों ने कमेंट किया है। सच तो यह है कि आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सके, घर गिर जाएगा। ये देखिए और भी विद्यार्थियों ने कमेंट किया, नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से गलत है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वन डे एग्जाम ही होना चाहिए, पीसीएस और आरओ दोनों। और यही हाल ट्विटर में भी रहा, विद्यार्थी आज पूरे दिन जो ट्वीट करते रहे और मांग करते रहे कि परीक्षा एक ही दिन में करवाई जाए, और वास्तव में अगर हो सके, अगर लोक सेवा आयोग से हो सके, उत्तर प्रदेश सरकार से हो सके, तो परीक्षा एक ही दिन में करवाई जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर क्या हो रहा है प्रयागराज में, क्या नहीं हो रहा है, तो मेरी जो बातचीत हुई है बहुत सारे लोग, तो सभी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना है, कैसे आयोग में ज्ञापन देना है या कैसे अपनी मांग रखनी है, क्या चीजें हैं। तो अभी थोड़ा सा उसका इंतजार कर लीजिए, और जैसे कि मैंने बताया कि नोटिस आप लोगों को जो अगले सप्ताह है वो मंगलवार या बुधवार तक देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद ही सभी लोग जो हैं वो डिसीजन लेंगे। बहुत सारे लोगों से वार्ता हो गई है कि क्या स्टैंड रखना है, किस तरीके से क्या चीजें रखनी है आयोग के सामने, बातें रखनी है सरकार के सामने, तो सभी लोग अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे ऐसे ही किस आधार पर मांग रखें। अगली सूचना है पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि पुलिस भर्ती का जो परिणाम है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए, और जानकारी निकल करके आ रही है कि पुलिस भर्ती का जो परिणाम है वो अपने अंतिम चरण में है, और इसी महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में ही लास्ट में पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। देखिये यहाँ पर लिखा जनसत्ता है, ये जनसत्ता पेपर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के आखिर में होगा जारी, ये संभावित तारीख। और यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए गए आदेश के बाद मुहर लग चुकी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 इस महीने के आखिर में जारी किया जाएगा, जिसकी संभावित तारीखें 25 से 30 अक्टूबर है। देखिए पुलिस विभाग परिणाम जारी कर भी देगा, ऐसी बात नहीं है, पुलिस विभाग तो सीधे मुख्यमंत्री की उसमें आता है, और आपने देखा होगा परीक्षा भी समय से करवा लिया, हालांकि एक साथ दोनों लगभग रद्द हुई थी, आरओ और पुलिस कांस्टेबल, लेकिन आरओ एग्जाम अभी तक नहीं हो सका, लेकिन पुलिस का तो एग्जाम भी हो गया। तो ये चीजें देखें अगर पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग का जिस हिसाब से परीक्षा हो गई 6 महीने की बात मुख्यमंत्री जी ने की थी, और 6 महीने के अंदर परीक्षा करवा भी ली गई, उसी तरीके से ये परिणाम भी जारी हो सकता है, अगर किसी कारणवश कुछ देरी हुई तो ज्यादा एक हफ्ते और अगले महीने नवंबर का। और ये कुल मिलाकर के पुलिस का जो परिणाम है वो अपने अंतिम चरण में है, और आपका जो परिणाम है वो हर हाल में 10 नवंबर के पहले पहले जारी हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कि आपका एग्जाम इसी महीने लास्ट में जारी हो जाए। अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी एक पोस्टर अभियान इस समय जारी हुए पूरे प्रयागराज में। मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के 15 तारीख को प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। ये देखिए यहाँ पर ये पोस्टर लग रहा है, 15 अक्टूबर 2024 टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में रिक्त 25,000 सीटों को जोड़ा जाए, यहाँ पर ये देखिए। और पूरे प्रयागराज में जगह जगह विद्यार्थी ये पोस्टर लगा रहे हैं, युवा मंच के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का पोर्टल खोला जाए व तत्काल परीक्षा कराई जाए, यानी कि पोर्टल खोलने का मतलब है नए विद्यार्थियों से आवेदन भी लिया जाए, ऐसा नहीं है किसी को मौका ना दिया जाए, पद भी जोड़े जाए, फिर से विंडो खोली जाए, जो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए वो विद्यार्थी आवेदन भी कर सके, यहाँ पर वो बात की गई है। और यहाँ पर अपील भी की गई है पोस्टर में, देखिए नीचे लिखा है कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर आए, और डेट ऊपर लिखी हुई है, ये देखिए 11 बजे विद्यार्थियों को पहुंचना है 15 तारीख को।
कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं 15 अक्टूबर ये देखिए। और हाँ, ये जो धरना प्रदर्शन है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में होने जा रहा है, क्योंकि अब ये तो पता हो गया है विद्यार्थियों को कि पेपर तो इस साल आपका नहीं हो रहा है, टीजीटी पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमेशा से मैंने यही बताया कि इस साल परीक्षा नहीं होगी, और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारियां ही प्रदान की जाती हैं। और तो विद्यार्थियों को ये कहना कि जब परीक्षा नहीं करवा रहे तो कम से कम यही एक काम करवा दो, जो अधियाचन मंगाया है जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों को इसमें जोड़ दिया जाए, और अगर मौका देना हो नए विद्यार्थियों को तो नए विद्यार्थियों को आप लोग मौका भी दे दें पोर्टल खोल करके। ये देखिए, और ये है पूरा पोस्टर जो आप लोग जगह जगह देख रहे हैं, ये पोस्टर है 2022 का पोर्टल खोला जाए, ये सब बातें यहाँ पर लिखी है। अपील की गई है सभी कोचिंग संचालकों से भी और अन्य लोगों से, लिखा है कि सभी कोचिंग संचालकों, शिक्षक बंधुओं, प्रतियोगी छात्र भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करने व अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आप सब अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। टीजीटी पीजीटी 22 के विज्ञापन 25,000 पदों को जोड़ जाए, पोर्टल खोलकर सबको मौका दिया जाए, सीधी सी बात है। और कोशिश है यहाँ पर कि देखिए लिखा है चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष से सीधे बातचीत हो, ये देखिए लिखा है, तो देखते हैं अध्यक्ष से बात करने से क्या होगा। सीटें जुड़नी चाहिए जिसमें सबकी सहमति है, और बात विद्यार्थियों की 100% सही है, और ज्यादातर विद्यार्थियों का यही मानना है कि 13 लाख के मुकाबले मात्र 4,000 पद बहुत कम है। और इसी क्रम में एक और धरना प्रदर्शन है आयोग में, और वो धरना प्रदर्शन है नई जूनियर भर्ती को लेकर के। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस पीएस परिहार चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक आवश्यक सूचना धरने के संबंध में दे रहा हूँ। 16/10/2024 को जो प्रस्तावित धरना शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज में प्रस्तावित था 11:30 बजे, उसे कैंसिल कर दिया गया, और यह धरना 18/10/2024 11:30 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में होगा। इन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण 16/10/2024 के धरने को स्थगित कर दिया गया था, और यह धरना पुनः 18/10/2024 11:30 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रस्तावित है। आप लोगों से अपील है कि अपने अधिकार, अपने मान सम्मान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का काम करें, और वहां आएं, अपनी जूनियर भर्ती के संबंध में कितनी विसंगतियां हैं, अपने गुरुजनों के द्वारा और हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उस पर आप अमल करते हुए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें, जिससे उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से बंद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर भर्ती आ सके, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 100% प्रमोशन किया जा रहा है वही हमारी भर्ती का सबसे बड़ा करोड़ा है, वही हमारी भर्ती का सबसे बड़ा कारण है। जब तक इस कारण को हम दूर नहीं करेंगे तो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तब तक सीधी भर्ती नहीं आ सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भाई बहनों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप 18/10/2024 11:30 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कार्य करें, और अपने अधिकार, अपने मान सम्मान तथा बीएड की डिग्री रद्दी का कूड़ा न बने, टीटी उच्च प्राथमिक स्तर का सर्टिफिकेट रद्दी का कूड़ा न बने, इसके लिए आप लोग 16/18/10/2024 11:30 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज पहुँचने का काम करें। धन्यवाद।